नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है, मिशुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो डेटा लॉगिंग हम देखेंगे एक HMI में। सो हम जो HMI सिलेक्ट करके बैठे हैं वो डेल्टा मेक की है। सो डेल्टा का जो सॉफ्टवेयर है डॉप सॉफ्ट है, उस सॉफ्टवेयर में हम डेटा लॉगिंग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि डेटा लॉगिंग होती क्या है। डेटा लॉगिंग होती क्या है, तो उसके लिए हम देखते हैं, गूगल पे सबसे पहले सर्च करते हैं डेटा लॉगिंग। डेटा लॉगिंग क्या है? डेटा लॉगिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या कि हम डेटा को करते हैं स्टोर। एक तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं, उसके ट्रेंड को। और डेटा लॉगर क्या है? एक डिवाइस है जिसके अंदर हम ये करते हैं। सो हम इस प्रोसेस को समझ चुके, डेटा लॉगिंग क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करना। ठीक है, तो हम इस चीज़ को एक बार HMI में करके देखेंगे। HMI जो कि डेल्टा की है, सो उसको करने के लिए हमें डॉपसॉफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको चाहिए होगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से मिलेगा, तो ऑनलाइन जहाँ पे अवेलेबल है वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपना खुद का एक प्रोग्राम बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें कि हम उसको नाम दे देते हैं डेटा लॉगिंग। ओके, डेटा लॉगिंग। ओके, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है? डेटा स्क्रीन, नाम स्क्रीन का नाम डेटा लॉग। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं, सॉरी बैक करते हैं हम। बैक में ये चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया कि ये हमारी कौन सी सीरीज़ है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हमारे पास जो HMI है कौन से सीरीज़ की है। अब यहाँ पे ये साइज़ है, इसका रिजोल्यूशन कौन सा साइज़ चाहिए आपको, 7 इंच की चाहिए या 8 इंच की चाहिए, तो इसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम इस HMI को सिलेक्ट करके चलते आगे। सो नेक्स्ट, इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट है COM1 COM2, जो भी आप चीज़ें इसके साथ कनेक्ट करते हो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। हम डेल्टा PLC मान के चलते हैं कि हमने डेल्टा PLC COM2 पे से लगा रखी है, तो हम वही डिफाइन कर देते हो। RS232 या फिर 485 जो भी मोड है आप कम्युनिकेट करते हो, एक्चुअल में PLC अगर लगी है तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। डेटा बिट, स्टॉप बिट, बॉड रेट, पैरिटी, ये सब चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। और पासवर्ड के लिए आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बेसिक पासवर्ड होता है। सो फ्रेंड्स, फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक HMI सिलेक्ट हो गई, एक स्क्रीन बन के आ गई जो उस HMI की। तो इसका स्क्रीन का हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, जो बैकग्राउंड है वो इस कलर का कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हमारे पास स्क्रीन है, तो हम इस स्क्रीन पर डालते हैं कि ये स्क्रीन है किस चीज़ की। तो हम सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं डेटा लॉग, डेटा लॉगिंग। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इसमें हम एक डेटा, 3 डेटा रजिस्टर लेके चलेंगे और उस पर वैल्यू चेंज करेंगे और उसका एक लॉग बनाएंगे। तो उस लॉग को हम इसमें रिप्रेजेंट या इसमें करके दिखाएंगे। हम अभी कोई PLC से उसको चेंज नहीं करेंगे, इसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए भी हम इसी के अंदर अरेंजमेंट करेंगे इस HMI के। ये मुझे पता कैसे चल रहा है, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, इस तरीके से मुझे पता चल रहा है बीच में। सो इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे हम, यस। सो इस तरीके से दिखेगा। सो अब 3 नेम ले लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैं इनको क्या नेम दे, हम नाम दे देते हैं इनको। एक को देते हैं टॉर्क, कि हम किस किस डेटा का लॉग बना रहे हैं उसको नाम देते हैं टॉर्क। एक टॉर्क हो गया, दूसरा स्पीड दे देते हैं कि हम स्पीड भी देखनी है,
ओके। और तीसरा हो गया पार्ट का स्टेटस कि एनजी है या ओके है। ओके, तो ये तीन लॉग हम बना के चलेंगे। ओके, तो हमारे पास तीन डेटा रजिस्टर है जिसमें एक में टॉर की वैल्यू आ रही होगी, एक में स्पीड की वैल्यू आ रही होगी, एक में पार्ट का स्टेटस आ रहा होगा कि पार्ट अपना क्या है, ओके है या फेल है या एनजी है। ओके, सो फ्रेंड्स अब तीन हमने स्टेटस ले लिए, इनको हम तीनों को अलाइन भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। यहाँ से हॉरिजॉन्टली, सॉरी हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, तो ये तीनों लाइन भी हो गए। ओके, सो सबसे पहले हमें चाहिए डेटा, डेटा क्योंकि इनपुट चाहिए, क्योंकि हम कहीं पीएलसी से उस डेटा को चेंज तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम सिमुलेशन करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा डेटा इनपुट डिस्प्ले, तो डेटा इनपुट डिस्प्ले हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं टॉर के अकॉर्डिंग। ओके, डेटा इनपुट, तो अब यहाँ पे हम डेटा रजिस्टर डिफाइन कर देते हैं डी 10। ओके, तो ये हो गया D10। अब इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा D10। अब इसी की कॉपी कर लेते हैं हम CV। ओके, तो एक हमारा पार्ट का स्टेटस हो गया, एक हो गया हमारा स्पीड, लेकिन हमें डेटा रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। D11 एंड ओके, हम इमेजिन करते हैं D12। ओके, तो हमने तीन डेटा रजिस्टर लिए जिसकी वैल्यू हमें दिखानी थी ग्राफ पे। तो ये तीन डेटा रजिस्टर हैं अब हमारे पास। अब इनका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए मैं मैक्रो लिख सकता था, लेकिन मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। अगर आप बोलोगे तो बाद में हम इसमें मैक्रो भी डाल के दिखा देंगे कि भाई कैसे मैक्रो के थ्रू इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, बट मैं उसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, तो इसलिए क्या इसे सिर्फ सिंपल लॉजिक से, सिंपल लॉजिक बोले तो नॉर्मल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बटन ले लेते हैं हम, उसी के थ्रू इंक्रीज डिक्रीज करके देख लेंगे। इन दोनों को पहले तो सेम साइज का करते हैं। ओके, अब यही दो कॉपी करते हैं, इसके लिए भी हो गया ये और स्पीड के लिए भी हो गया। अब इन सारों को अलाइन कर देते हैं वर्टिकली। अब इस पे हम डाल देते हैं इंडिकेशन कि ये है क्या, D10 डाल देते हैं यहाँ पे कि ये डेटा रजिस्टर D10 को क्या करेगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। ये तो इंक्रीज़ वाला, तो इंक्रीज़ ही करेगा। और साथ में टेक्स्ट में हम डाल देते हैं प्लस और उसको कर देते हैं बोल्ड। ओके, और यहाँ पे D10 अगेन। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने समझाया स्टेप में कि हम डेटा लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम हर HMI में डेटा लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं और HMIs के लिए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। और ये टॉपिक थोड़ा सा रैंडम जो हम चल रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला था इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स इसको मैंने कंटिन्यू किया, आप भी डाल सकते हैं रिक्वेस्ट कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो फ्रेंड्स होपफुली हम वो भी करके दिखा देंगे वीडियो में। और इसका भी नेगेटिव कर देते हैं D11 एंटर, टेक्स्ट में नेगेटिव एंड बोल्ड। सो हमने दो डेटा रजिस्टर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो बना दिए, और सेम इसी तरीके से पार्ट स्टेटस का भी बना देंगे।
थोड़ा ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वॉइस की क्लैरिटी हो, पीछे से कुछ शोर शराबा ना हो। सो फ्रेंड्स, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, बट एनीवे कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में अच्छा लगता है थोड़ा बनाना भी। सो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। सो फ्रेंड्स, डी इसमें भी हम लिंक डिफाइन कर देते हैं, D12 का। ओके, D12। अभी ये इस तरीके से जो डेटा रजिस्टर हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हो सकता है PLC से भी वैल्यूज़ आ सकती है इनकी अभी, लेकिन हमने इसे राइट टाइप इनपुट टाइप बनाया है ताकि हम PLC सॉरी HMI से इसको वैल्यू फीड कर सके या इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। सो हमारे पास तीन डेटा रजिस्टर रेडी हो गए हैं, एक तो टॉर्क स्पीड एंड पार्ट स्टेटस का, तो तीनों में हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा डेटा रजिस्टर की तीन वैल्यू हमारी स्क्रीन पे आ गई है। सो अब इसके बाद हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है बफर आईडी बनाने की। बफर आईडी में हमें डिफाइन करना होता है कि हमारे पास जो बफर है वो क्या है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा डेटा है इसमें। इस बफर में हम डिफाइन कर सकते हैं, डेटा रजिस्टर हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट पूरे इस बफर को कितना बड़ा बना सकते हैं। तो पूरा कितना बड़ा बना सकते हैं, 60, एक बफर में हमारे पास 60 डेटा रजिस्टर हो सकते हैं। तो अभी तो हम तीन लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने तीन सीरीज़ में लिए हैं। अगर हमने डिफरेंट सीरीज़ के लिए तो हमें तीन डिफरेंट बफर आईडी बनानी पड़ेगी। अगर मान लो मैंने एक डेटा रजिस्टर लिया होता 1 और एक लिया होता 20, तो मैं या फिर मैं ये कोशिश करूँ कि मैं 20 इसकी लेंथ बनाऊँ। अगर मैंने 60 से ज़्यादा, मतलब मैंने एक डेटा रजिस्टर लिया D1 और एक ले लिया मैंने 71, तो मुझे उस केस में बफर आईडी बनानी पड़ेगी 2। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने दो, तो हम इसकी डेटा लेंथ 3, हमने तीन डेटा रजिस्टर लिए हैं सीरीज़ में जो कि 10, 11, 12 है, तो हम तीन इसकी कर देते हैं, सैम्पल नंबर 10 रखते हैं। ओके, कस्टम साइकिल नहीं करनी, टाइम और डेट की स्टैम्प चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि USB में सेव कराना है, HMI में ऑटो स्टॉप करना है नहीं, आप चलते रहने देना है। सो ओके करते हैं, इस तरीके से ये हो गया। अगर यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर सकते थे हम, यहाँ पे अगर हमारे पास PLC होती तो हम PLC ट्रिगर कर देते कि हम भाई कब इस लॉक को देखना चाहते हैं, कि भाई कब हम इस लॉक को सेव करना चाहते हैं। सो इस तरीके से मैंने बफर आईडी डिफाइन कर दी। अब आते हैं हम लॉग के ट्रेंड को, तो जहाँ पे ग्राफ डिस्प्ले नहीं, ग्राफ डिस्प्ले नहीं, सैम्पलिंग में ये ट्रेंड आता है। इस तरीके से इतना बड़ा हो गया ये। इसकी स्क्रीन में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा अजीब सा लगता है, ब्लू से ब्लैक करते हैं, जैसा कि HMI का होना चाहिए या लॉगिन स्क्रीन का होना चाहिए। इसे खोलते हैं, इसका बॉर्डर। अब डेटा फील्ड हमारे पास तीन है तो हम तीन ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गए हमारे पास तीन। हमारा स्टार्ट पोजिशन 0 के 10 के लिए ये होगा और 11 के लिए ये होगा और 12 के लिए ये होगा। ओके, अब इनके कलर्स को भी हम नाम भी दे देते हैं। एक का क्या नाम था हमारा, इसका था पार्ट स्टेटस, पार्ट स्टेटस। ओके, कलर क्या था, और कलर क्या था, हम ले लेते हैं ग्रीन। ओके, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। अगर हम कलर ब्लैक रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं दिखेंगी हमें चेंज होते हुए, तो थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा भाई। कर दे
सकते हैं येलो। तो हमारे पास तीन बफर रेड, तीन लॉग हमने डिफाइन कर दिए इस टेबल के अंदर। यहाँ पे हमने बफर आईडी, अगर हमारे पास और भी हैं बफर 2, 3 जो भी जितनी भी हमने बनाई है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज हम रख सकते हैं, उससे पहले टाइम और फॉर्मेट हमें दिखाना है, डेट दिखाना है, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। डेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, डेट का कलर भी हम लाइट करते हैं कुछ। ओके, तो बैकग्राउंड का कलर भी हम वाइट कर सकते हैं, शो कर देते हैं। टाइटल भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड है इसको हम वाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लासिक सा लुक आ जाएगा। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये इस तरीके का लॉक बन के आ जाएगा। अब हम एक ट्रेंड भी बना लेते हैं ताकि वो भी दिख जाए आपको, लेकिन ट्रेंड इसमें भी हमें कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ओके, तो इसमें भी हमने बफर आईडी 1 सेट कर रखी है। कर्व फील्ड हम एक नहीं दिखाएंगे, तीनों के दिखा देते हैं। इसमें आप दो भी दिखा सकते हो, कितने डेटा रजिस्टर को यूज़ करोगे कर्व दिखाने के लिए। तो हम तीनों को यूज़ करेंगे, तीनों के फील्ड दिखाएंगे। ओके, सो इसमें आप दिखा सकते हो ग्रिड लाइन और भी कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, थोड़ा इस तरीके का रहता है तो क्लासिक सा लगता है। और हाँ, ग्लोबल रेंज डिफाइन कर सकते हो, लेंथ कितनी रख रहे हो ये डिफाइन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, हाई वैल्यू या लो वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितनी जानी चाहिए कितनी लो होनी चाहिए। लो इसे 0 कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे ये डिटेल्स इसके ऐड कर दिए हमने। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इनेबल कब करना है हमें इस कर्व फील्ड को। हम एक टैग बना देते हैं कि भाई हमेशा ऑन रहेगा, ये भी हमेशा ऑन रहेगा। ओके, ये भी हमेशा ऑन रहेगा। ओके, अब इसकी स्टार्ट पोजीशन 0 है, ठीक है। D10 के लिए इसकी क्या है 1 है, और इसकी क्या है 2। तो इस तरीके से हमने टाइम और डेट के लिए भी दिखा दिया इसे कि क्या डेट है और क्या अरेंजमेंट है इसमें। कलर इसके लिए हम तिरंगा बना देते हैं, वैसे भी 15 अगस्त आ रहा है। तो एक को वाइट ले लेते हैं, एक को ग्रीन तो है ही, एक को वाइट ले लेते हैं। तो इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे पास कर्व का ग्राफ भी आ गया है। ये इस कर्व के अंदर जो वैल्यूज़ चलेंगी वो इन्हीं डेटा रजिस्टर्स की होंगे। तो टोटली हमारे पास एक लॉग टेबल है, तीन डेटा रजिस्टर हैं जिनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम। सो हमारा मेन मोटो ये है कि इस डेटा लॉग को हम इस HMI में कैसे बनाएं। तो टोटल मेरा इस वीडियो में यही फोकस था कि हम ये कैसे बनाएं। तो हमें लॉग बनाते वक्त क्या चीज़ें, तो हो सकता है कि इस डेटा रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू हमें PLC से मिल रही है, किसी कंट्रोलर या किसी एम्बेडेड कंट्रोलर से मिल रही है। तो उसका प्रोविज़न हमने थोड़ा मतलब चेंज कर दिया कि हम इंक्रीज डिक्रीज कर लेते, क्योंकि PLC अवेलेबल है नहीं मेरे पास, डेटा मैं दिखा नहीं सकता। तो हम चेंज करके दिखा सकते हैं लॉग को समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार और सिमुलेट करके, फील्ड डाल और सिमुलेट करके। ओके है स्टेटस, सो एक बार सिमुलेट करके इसे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली जो सिमुलेट होगा उसे हम करते वक्त अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ वैल्यूज़ दिख नहीं रही, 0, 0 अभी 1 कुछ भी नहीं दिख रहा। और उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्या है, इसमें आपको 10 वैल्यूज़ ही दिख रही है। तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ चेंज हुआ, ये 1 पे ये आया, कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे,
ये आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। इस सिमुलेशन को हम बंद करते हैं और एक बार इसे खोलते हैं। इसे हमने खोला, बैकग्राउंड डिटेल्स ओके। यहाँ पे जो कलर है ना, ये इस वजह से क्योंकि ये सारा ब्लैक हो रखा है। इसे हम येलो दे देते हैं, इसको भी कुछ कलर दे देते हैं ग्रीन, इसको भी कुछ कलर दे देते हैं वाइट। तो अब होपफुली आपको वहाँ पे दिखेंगी वैल्यूज। सो कुल मिला के अब दिखेंगे वहाँ पे वैल्यूज आपको। थोड़ा सा इसे सेपरेट भी करना पड़ेगा और सैम्पलिंग को भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं कि हमें कितनी चाहिए। बफर आईडी में जाके करते हैं उसे, और इसको भी थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, इसकी विड्थ को भी इंक्रीज कर देते हैं बस 50 ओके। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा दूर दूर कर लिया। हाँ, और बफर आईडी में हमें सैंपल्स ज़्यादा चाहिए, एक साथ हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो हम सैंपल यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं 20, 20 ही ठीक रहेगा ओके। तो फिर से हम सिमुलेशन एक बार चला के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं 0, और यहाँ ग्राफ भी दिख रहा है आपको। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं टॉर्क इंक्रीज़ करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिक्कत हो रही है। ये सब में इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि इन डिस्प्ले में जो डाटा जा रहा है, इसके अंदर, इन सब के अंदर पड़ा हुआ है T10, तो उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आते हैं एक बार इसे चेंज कर देते हैं। इसके अंदर सब में वही पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें हमने चेंज की थी, लेकिन फिर भी पड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन में 1 और इसमें 2। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैंने जानबूझ के ऐसे किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आप भी यही दिक्कतें फील करें तो ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो एक बार फिर रिबिल्ड कर देते हैं और सिमुलेट करके देखते हैं। ऑलरेडी रन कर रहा है, इसे करते हैं क्लोज, इसको करते हैं स्टार्ट। ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है मुझे वीडियो बनाते बनाते। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे डेटा लॉग को भी। आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसे वैल्यूज़ को हम इंक्रीज करते हैं 1 1 1 1 1। आप देख सकते हैं टॉर्क के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉर्क का सैफरन कलर था, भगवा कलर, ऑरेंज आप देख सकते हो, थोड़ा डिक्रीज करते हुए भी। अब स्पीड को भी हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लॉग में जा रहा है वो, और साथ ही पार्ट के स्टेटस को भी आप देख सकते हो। ग्रीन कलर काफ़ी ऊपर आ गया है, और इसको एक बार फिर से हम वाइट को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरंगा दिख रहा है, लेकिन सबकी स्टैटिक्स वैल्यू है, इस वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं माइनस करूँ, सबको माइनस करूँ, इसको भी माइनस करूँ, तो सब में दिखता है वेरिएशन, और यहाँ लॉक तो दिख ही रहा है। सो होपफुली फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो लॉक से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डेटा लॉग बनाने में, डेल्टा में स्पेशली। अगर आप चाहते हो किसी और प्रोडक्ट में, तो हम उसके लिए भी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, चाहे कोई सी भी HMI हो, कोई सी भी PLC हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, PLC HMI, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मिशुबिशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।